चेहरे पे बस 15 मिनट के लिए इस फेस पैक को लगा लीजिए, चेहरा इतना चमक उठेगा, इतना गोरा हो जाएगा कि आप बिलीव नहीं कर पाएंगे आपकी स्किन पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आई हूँ जो चेहरे को बेदाग करेगा, सुंदर करेगा, गोरा करेगा। चाहे चेहरे पे कितनी भी पुरानी धूल मिट्टी हो, कालापन हो, डेड स्किन सेल्स हो या फिर दाग धब्बे हो, पिंपल्स हो, ये सभी 15 मिनट के अंदर अंदर दूर हो जाएंगे। चेहरे पे एक नया ग्लो आएगा, नया निखार आएगा, आपके ओपन पोर्स भी रिमूव हो जाएंगे। तो बिना किसी तरीके इस नुस्खे को बनाने स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस रेमेडी को। तो आप यहाँ पे एक क्लीन बाउल ले लीजिए और यहाँ पे हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है बेसन, यानी कि ग्राम फ्लोर। फ्रेंड्स, जो बेसन होता है, आपको पता है कि चेहरे पे से कालेपन को, धूल मिट्टी को कितनी जल्दी रिमूव करता है, इसलिए आपको फेस के लिए इसको यूज जरूर करना चाहिए। चेहरे को बेदाग बनाता है, सॉफ्ट बनाता है स्किन को, साथ ही चेहरे पे नया निखार भी लाता है, चेहरे से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो हम यहाँ पे 2 चम्मच बेसन ऐड कर देंगे। एक चौथाई चम्मच हम यहाँ पे हल्दी यानी कि टर्मरिक ऐड कर देंगे। हल्दी चेहरे पे ग्लो लाती है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 चम्मच एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल पिंपल्स को दूर करने में बहुत हेल्प करता है, साथ ही डार्क स्पॉट्स और डेड स्किन सेल्स को भी रिमूव करता है। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे टमाटो जूस यानी कि टमाटर का रस। हाफ टमाटो जूस हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो चेहरे पे नया निखार लाता है, साथ ही चेहरे पे से पिगमेंटेशन, झुर्रियां, झाइयां, दाने, मुहासे, इन सभी को दूर करने में बहुत हेल्प करता है, साथ ही ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स को भी रिमूव करता है। लास्ट में हम रोज वाटर की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका एक स्मूथ पेस्ट हमें बनाना है, तो हम धीरे धीरे यहाँ पे ऐड करेंगे और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसका एक स्मूथ पेस्ट बनके रेडी हो गया है। ये देखिए हमारा नुस्खा बनकर रेडी है। और मैं आपको बता दूं कि आपको इसे किस तरीके से यूज करना है अपने फेस पर। आपको बस इसको लेना है और अपने पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, अच्छे से अप्लाई करने के बाद आपको 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। जब 15 मिनट हो जाए और ये ड्राई भी हो जाएगा, उसके बाद आप अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आपका चेहरा इतना निखर जाएगा, आपके चेहरे पे जितना भी कालापन होगा, जितनी भी गंदगी होगी, वो सभी रिमूव हो जाएगी। और केवल इसको 3 से 4 बार ही यूज करने से चेहरे पे से दाग धब्बे, मुहासे, पिगमेंटेशन या फिर जितनी भी प्रॉब्लम होगी, वो सभी की सभी चुटकियों में रिमूव हो जाएंगी। ये बहुत अच्छा फेस पैक है, इसके बहुत अच्छे फायदे हैं। चेहरे को एकदम सुंदर कर देगा, ये गोरा कर देगा, चेहरे पे से हर प्रॉब्लम को दूर करेगा। यकीन मानिए, ये बहुत अच्छा नुस्खा है, आप इसको ट्राई जरूर करके देखिएगा। फ्रेंड्स, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है। मैंने इसके अंदर जो भी चीजें यूज की है वो सारी की सारी नेचुरल होती है। आप इसको फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं 3 या फिर 4 डेज के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो बस इतना ही। आई होप आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही मुझे कमेंट में बताइए कि आपको इसका रिजल्ट किस तरीके का मिला। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए। तो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।